हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स ज्योग्राफी सेक्शन सेकेंड चैप्टर लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स फर्स्ट पार्ट। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द ग्लोब पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड एटसेट्रा। लेट्स स्टार्ट। लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी मस्ट लिटिल नॉलेज अबाउट द ग्लोब। व्हाट आर द ग्लोब एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द ग्लोब्स इन द अर्थ इन आवर सोशल साइंस। सोशल साइंस में ग्लोब क्या है, ग्लोब का यूजेस क्या है, हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट ग्लोब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टडिंग अबाउट द अर्थ एंड इट्स सो मैनी थिंग्स अबाउट द शेप मोमेंट क्लाइमेट लोकेशन प्लेस एंड हाउ द सन शाइन्स इन द अर्थ एंड एनी मोड्स। ये बहुत सारे चीज़ हम लोग को उसमें ग्लोब हम लोग को नॉलेज देता है कि ग्लोब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अर्थ के बारे में बहुत सारे चीज़ हम लोग को नॉलेज उसमें मिल जाता है। जैसे अर्थ का मूवमेंट कैसे रहता है, क्लाइमेट कंडीशन कैसे होता है, लोकेशन कैसे है, प्लेस है ना, सनशाइन कैसे अर्थ में पहुंचता है, ये सब सारे चीज़ हम लोग ग्लोब के मैथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्लोब जो है वर्ड लैटिन वर्ड ग्लोबस से डेरिव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, राउंड बॉडी और स्पेस स्पीयर। अबाउट 1700 ईयर्स एगो एंशेंट रोमन स्वर ग्लोब रेस्टिंग है ऑन ए फ्रेम्स एंड इंक्लाइन पोजिशन, है ना, इंक्लाइन पोजिशन में एक फ्रेम में उसको पहले किया गया था इन 1700 ईयर्स पहले उसको, ठीक है। लेकिन उसके बाद अच्छे से नहीं हो पाया था, बट इट वॉट रिप्रेजेंट एज ए मॉडल्स सम थ्री सेंचुरी एगो के हम लोग देखेंगे तो थ्री सेंचुरी यानी कि 300 ईयर्स एगो हम लोग देखेंगे तो ग्लोब एक मतलब एक मॉडल के हिसाब से 3D डायमेंशन से स्पाइरल एक्सपेरियल डायमेंशन में हम लोग को दिखाया गया उसमें। एंड लेटर इट लाइंस द इंक्लूड द लेटिट्यूड्स ऑफ और पैरेलल्स एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस, जो कि हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉल्ड द लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट छोटा सा ब्रीफली मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि स्मॉल नॉलेज के लिए आप लोगों का कि लेटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। सपोज दिस इज द अर्थ एंड इट इज़ द इन द बीस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इक्वेटर इज टू इक्वल पार्ट डिवाइडेड द बोथ द स्पीयर ऑन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। जो ये इक्वेटर के साथ जो लाइन रहता है, ठीक है, इसको क्या पैरेलल जो लाइन रहता है उसको बोलते हैं लेटिट्यूड बोलते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न पोल एरिया से साउथ पोल तो जो कनेक्ट करता है ये जो लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो कि हम लोग बाद में उसको डिटेली उसको डिस्क्राइब करेंगे उसमें पढ़ेंगे। और उसमें ये आप लोग को इतना पता होना चाहिए, मतलब जो इक्वेटर जो है उसको 0 डिग्री होता है और इधर फिर जो ऊपर वाला हिस्सा को उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाला हिस्सा को उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। जो कि उसमें इधर भी 90 डिग्री का उसमें 90 डिग्री रहता है और इधर इक्वेटर से उधर भी 90 डिग्री का रहता है उसमें, ठीक है। इट इज़ क्लियर। देन बोथ द नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स इज मेजर एट द 90 डिग्री ईच एंड द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस ऑफ ग्लोब मेप आर ऑल्सो कॉल्ड द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट। जो उसमें जो रहता है उसमें जो पैरेलल्स और जो मेरिडियंस जो उसमें ऐसे टाइप का उसमें जो होता है पैरेलल्स टाइप के और मेप में जो डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको ध्यान देना। ये देखते हैं ग्लोब का कुछ जो पार्ट जो है हम लोग दिखाता हूँ। जो ये है नॉर्थन पोल्स है, नीचे वाला जो होता है साउथर्न पोल रहता है, ये जो है बीच वाला जो काला वाला जो उसमें है वो फ्रेम है उसमें, है ना। और जो ये बीच में जो लाइन जो गया है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर इज टू इक्वली डिवाइडेड द अर्थ और ग्लोब इंटू टू इक्वल पार्ट। जो इक्वेटर जो है अर्थ और ग्लोब को उसमें टू इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं। इसको ऊपर वाला हिस्सा को नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ग्लोब जो है हमेशा थोड़ा क्या है, इंक्लाइन पोजीशन में रहता है। इंक्लाइन पोजीशन मतलब क्या है, थोड़ा तिरछा रहता है। जैसे ये जो इक्वेटर है इसमें ये तो हम लोग इमेजिनरी लाइन मान रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसे रहता है, ठीक है, थोड़ा कितना 23 डिग्री हाफ जो है इंक्लाइन रहता है। यहाँ जो एंगल बनेगा कितना 23 डिग्री हाफ एंगल से वो इंक्लाइन है, थोड़ा इंक्लाइन मतलब कि तिरछा बनता है रहता है, ठीक है, पूरा सीधा नहीं रहता ये, ठीक है। इज इट क्लियर। देन सम नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ द ग्लोब। हम लोग व्हेयर वी यूज द ग्लोब, ग्लोब हम लोग कौन कौन से जगह में यूज कर सकते हैं। द ग्लोब इज रिप्रेजेंट द ट्रू स्फीयर एंड एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ। जो ट्रूली अर्थ जैसे मतलब टिल्ट है और ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता है अर्थ का। एंड इट ऑल्सो डिनोट द शेप साइज डायरेक्शन
लोकेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्यूरेट शो ऑन द ग्लोब विदाउट एनी डिस्टोरेशन। और कोई भी बिना डिस्टोरेशन या बिना डिस्टर्ब के साथ उसमें जो अर्थ का हम लोग का साइज शेप है डायरेक्शन है लोकेशन ये सब हम लोग को इन्फॉर्म करता है उसमें बताता है ठीक है। देन द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस ऑफ द अर्थ। जो लाइन जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन है हम लोगों को हेल्प करता है उसमें मतलब लोकेट प्लेस अर्थ का प्लेस कहाँ है उसको एक्यूरेटली बताता है। सपोज मान लीजिए हम लोग का कंट्री जो अर्थ है ना सॉरी हम लोग जो इंडिया है इंडिया वहाँ बना है ठीक है। इंडिया का जो पोजिशन है इसमें यहाँ से कितना डिग्री लेटीट्यूड से स्टार्ट है और कहाँ तक वो ख़त्म हुआ है और कहाँ कितने लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट है और कितने लॉन्गिट्यूड के उनका एक्सटेंड कितना है ये टोटली उसमें हम लोग को बता देता है और हम लोग एग्जैक्ट पोजिशन में हम लोग को मिल जाता है एक पर्टिकुलर लोकेशन का ठीक है। देन इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल्स एंड इट इज ऑल्सो यूज द टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ व्हिच इज अबाउट 40,000 किलोमीटर ठीक है। जो अर्थ जो है इक्वेटर जो है अर्थ जो इक्वेटर जो रहता है ये इक्वेटर सबसे ज़्यादा लेंदी लेटीट्यूड है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा उसमें हो पाता है उसमें है ना क्योंकि बीच में है तो यहाँ धीरे धीरे कर कर वो डिक्रीज होते जाता है इधर भी डिक्रीज होते जाते हैं। तो ये द लॉन्गेस्ट पैरेलल्स ऑफ द अर्थ अर्थ का सबसे लॉन्गेस्ट है मैक्सिमम कितना 40,000 किलोमीटर ठीक है। द मेरिडियंस बींग सेमी सर्कल्स आर यूज एट द फिक्स टाइम्स एट एनी प्लेस ऑन द पर्टिकुलर मेरिडियंस। और एक पर्टिकुलर मेरिडियन जो है ये मेरिडियन मतलब क्या है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो आया है जो लाइन्स आया है उसको क्या बोलते हैं मेरिडियन बोलते हैं। और ये थोड़ा हाफ है इधर हाफ है दोनों तरफ होगा तो राउंड होगा तो ये नॉर्थ पोल से इधर तक जो आगे हाफ है तो उसको क्या बोलते हैं सेमी सर्कल बोलते हैं। और एक हर एक लाइन का एक एक पर्टिकुलर टाइम है ठीक है। जो टाइम जोन में हम लोग को बाद में पढ़ाऊंगा उसमें टाइम जोन हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें टाइम जोन कैसे होता है वन डिग्री में कितने मिनट होता है और एक डिग्री एक मिनट में कितने डिग्री का उसमें होता है हम लोग उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को ठीक है। उसको इक्वली अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में उसको ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो एक्सिस एक्सिस क्या है द अर्थ वाला जो अभी जो मैं बताया था उसमें जो बीच वाला जो लाइन जाता है ना ये जो देखो उसमें जो ये आया है उसको क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। एंड इट इज़ द इमेजिनरी लाइन एंड इट रोटेट ग्लोब इज रोटेट अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड जो ग्लोब जो ये जो जो एक्सिस है उसके राउंड में जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं ठीक है। ग्लोब जब उसमें घूमता है ठीक है। और ये जो एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन है एक्चुअल में से अर्थ में नहीं है लेकिन हम लोग उसको इमेजिनरी कर कर बनाए हैं उसमें। एंड इट इज टिल्थ नॉट द परपेंडिकुलर मीन्स ये क्या है जो टिल्थ मतलब क्या है थोड़ा तिरछा है जैसे ऐसे होता तो उसमें इधर सीधा होता तो ये क्या है परपेंडिकुलर होता है। ये जो एलिप्टिकल सर्किल में ये क्या होता उसमें परपेंडिकुलर हो पाता लेकिन उसमें परपेंडिकुलर नहीं है उसमें यहाँ 66 डिग्री हाफ उसमें बनता है। और ये जो टिल्थ कितना है टिल्थ जो ये छोटे वाला जो आप लोग एंगल्स बन रहे हैं यहाँ कितना 23 डिग्री हाफ एंगल वो बनता है ठीक है। तो अर्थ इज टिल्थ 23 डिग्री हाफ है ना अर्थ जो है 23 डिग्री हाफ टिल्थ है। और हर जो प्लानट है अपने अपने हिसाब से वो टिल्थ है लेकिन द टिल्थ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ओब्लिक्विटी। जो अर्थ जो जो टिल्थ है 23 डिग्री हाफ जो टिल्थ है जो थोड़ा तिरछा है उसी को क्या बोलते हैं ओब्लिक्विटी बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द अर्थ एक्सिस टिल्थ मॉडरेटली ये अपने हिसाब से अलग हिसाब से मॉडरेटली टिल्थ है वाइल अदर प्लानट है एक्सट्रीम टिल्थ। और ये एक मॉडरेट टिल्थ से है कुछ कुछ प्लानट तो और भी मतलब तिरछा हो गया लेकिन ये अर्थ जो है एक मॉडरेट एक एप्रोप्रिएट के हिसाब से उसमें थोड़ा सा तिरछा है उसमें ठीक है। जो कि कितना 23 डिग्री हाफ उसमें परपेंडिकुलर उसमें होता है और जो इसमें ये वाला जो उसमें एंगल बनता है जो परपेंडिकुलर जो उसमें होता है उसमें कितना 66 डिग्री हाफ के हिसाब से उसमें होता है उसमें ठीक है। जो ऑर्बिटल प्लान एरिया में से 66 डिग्री जो एक्सिस और जो ऑर्बिटल प्लान है उसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा 66 डिग्री हाफ का एंगल बनता है। और अर्थ कितना है 23 डिग्री हाफ उसमें उसमें टिल्ट होकर है उसमें ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड जो
पैरेलल लेटीट्यूड किसको बोलते हैं पहले, जो इक्वेटर के साथ जो पैरेलल जो है उसमें है ना, जो इक्वेटर के साथ जो लाइन पैरेलल्स है उसमें ऐसे ऐसे करके ईस्ट टू सॉरी वेस्ट टू ईस्ट तरफ जो गया है उसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। एंड ऑल एंगल आर इक्वली पैरेलल है, ये हर एंगल जो है हमेशा पैरेलल है। और पैरेलल कितना, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना 90 है, और यहाँ से यहाँ तक भी नॉर्थ साउथर्न स्फीयर में भी 90 है, तो टोटल कितना 180 प्लस 1 तो 181 जो आप लोग का पैरेलल लाइन है। ठीक है, द साइज जो है वहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है, और यहाँ भी इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक रिड्यूस होते जाते हैं, साउथ पोल तक भी रिड्यूस होते जाते हैं। एंड ये जो हाफ हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलर लाइन है, ये हमेशा पूरा सर्कुलर लाइन से पूरा उधर तरफ मूविंग है, पीछे तरफ हम लोग को नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये सर्कुलर लाइन से इसमें मूविंग है, हाफ पूरा उसमें होता है। जो इक्वेटर जो है सबसे ज़्यादा जो बीच में जो गया है उसको इक्वेटर बोलते हैं। एंड इन अदर्स वर्ड इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्किल, जो इक्वेटर को और क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल भी हम लोग बोलते हैं। एंड इक्वेटर इज टोटली डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, इक्वेटर जो है अर्थ को टू इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला को नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाला को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो साउथ ये वाला साउथ पोल बोलते हैं उसमें जो उसको वाला को, और ये वाला जो 90 डिग्री जो उसमें होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। बस इतना है उसमें। ठीक है, देन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज पैरेलल्स टू वन अनदर, लैटिट्यूड हमेशा जो है क्या होता है, हमेशा पैरेलल लाइन से होते हैं। ए लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ इक्वेटर, जो लैटिट्यूड है प्लेस में मेजर्स करता है डिस्टेंस, हमें तो इक्वेटर से नॉर्थन हेमिस्फीयर को इधर तरह डिस्टेंस मेंटेन करता है, इधर तरह साउथर्न हेमिस्फीयर तो इधर डिस्टेंस मेंटेन करता है। एंड ईच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज सर्कुलर फ्रॉम द वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट से हमेशा वो क्या है सर्कुलर फॉर्म में रहता है। एंड लेटर एन इज डिनोट फॉर द नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड लेटर एस इज डिनोट फॉर द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो उसमें इंडिकेट करता है, जो एन जो लिखा रहता है नॉर्दर्न पोल्स में, एन जो लिखा रहता है उसको देखिए, ये एन जो यहाँ एन जो लिखा रहता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डिनोट करते हैं, और एस जो लिखा रहता है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर में वो डिनोट करते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स इज ऑलवेज इक्वल, जो डिस्टेंस जो रहता है, ठीक है, जो इक्वल जो यहाँ भी जितना डिस्टेंस होगा यहाँ भी इतना होगा, यहाँ भी इतना होगा, मतलब एक दूसरे जो डिस्टेंस रहता है पैरेलल से हर एक उसमें से इक्वल रहता है ना। ऑल पैरेलल्स आर स्मॉल सर्कल्स एक्सटेंडेड एक्सपेक्ट द इक्वेटर व्हिच इज द ग्रेटेस्ट सर्किल एंड मेजर 0 डिग्री, और हर जो सर्कल्स रहता है सब धीरे धीरे कर कर क्या होते हैं कम होते जाते हैं, एक्सपेक्ट जो इक्वेटर रहता है, इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर 0 डिग्री रहता है और सबसे हाई मतलब ज़्यादा लेंदी वाला रहता है। ठीक है, एंड द पोल इज जस्ट पॉइंट टू द मेजर्स ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री एस इज द साउथ पोल, जो 90 डिग्री एन जो रहता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और 90 डिग्री एस जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, नीचे रहता है वो। ठीक है, ये रहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटीट्यूड का है, जो कि पैरेलल रहता है उसमें। एंड सम इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, कुछ कुछ इम्पोर्टेंस पैरेलल है जो कि हम लोग उसको अलग से नाम से उसको डिनोट करते हैं, जो कि ऑल पार्ट ऑफ द आर डू नॉट रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ द सनशाइन एज इट टिल्स ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ का है उसमें हर जगह उसमें इक्वली टेम्परेचर उसमें नहीं हो पाता, जो कि ये एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है उसमें ज़्यादा उसमें हीट आता है, बाकी एरिया में थोड़ा मैक्सिमम आता है उसमें, और बाकी एरिया में थोड़ा धीरे धीरे करके कम आता है, ऐसे जो पोल एरिया है उसमें सनशाइन आ ही नहीं पाता है। ठीक है, बहुत कम लेस होता है उसमें, पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स नो द अबाउट द सम इम्पोर्टेंस पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड का, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो है अच्छे से ध्यान रखना उसमें जो है, 0 डिग्री जो रहता है इक्वेटर जो है उसको तो आप जानते हो, पहले बताया हूँ उसको, जिसको ग्रेट सर्किल और इक्वेटर भी बोलते हैं उसको। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्कल्स पैरेलल इज द लैटिट्यूड इज द 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ जो रहता है ये वाला सर्किल। ठीक है, 23 की जो हाफ रहता है नॉर्थ में उसको नॉर्थ वाला को उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और जो साउथ में 23 डिग्री हाफ जो रहता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23 डिग्री हाफ साउथ में जो रहता है, साउथ पोल इक्वेटर में रहता है इसमें, ठीक है। देन द एक्ट्रिक सर्किल जो रहता है 66 डिग्री हाफ जो रहता है, क्या होता है 66 डिग्री हाफ जो रहता है उसको एक्ट्रिक सर्किल नॉर्थ वाला बोलते हैं, एक्ट्रिक सर्किल नॉर्थ का, और 66 डिग्री साउथ, 66 डिग्री हाफ जो साउथ में रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, एंड 90 डिग्री नॉर्थ वाला को नॉर्थ पोल बोलते हैं, और 90 डिग्री इसमें जो है 90 डिग्री एस वाला जो साउथ जो है उसको साउथ पोल बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट 5 इम्पोर्टेंस पैरेलल्स और लेटीट्यूड्स है ना, जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से जो अर्थ का जो हीट जोन और टाइम जोन उसमें भी हो पाता है, हीट जोन उसमें होता है, उसमें डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास हम लोग, उसमें देखेंगे हीट जोन कैसे होता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो होता है उसमें ज़्यादा अर्थ सनरेज ज़्यादा रिसीव करता है तो उसको हीट जोन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, जो कि नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जो हीट जोन ऑफ द अर्थ का हीट जोन क्या होता है ना, और ये सब मॉडरेट जोन क्या है, फ्रीज जोन क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास उसको डिस्कस करेंगे, ओके।